सारे लोगों ने ना मुझे कमेंट किया, कॉल भी की, व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया कि सर एक जो आपने 1500 वाट जो लॉन्च किया उसकी साउंड टेस्टिंग प्लीज़ हमें सुना दीजिएगा, कि काफ़ी सारे बंदे इसको सेल्स कर रहे हैं पर टेस्टिंग का प्रॉपर किसी ने हमें जवाब नहीं बताया कि ये बोर्ड बजाने में कैसा है। अभी मैंने इसकी टेस्टिंग की तो ओवरऑल तो मतलब ये मान के चलो कॉस्ट उसके हिसाब से ज़्यादा, जो मैं क्लास जी का जो मैं बोर्ड बनाता हूँ उसके हिसाब की साउंड 19-20 का ही फ़र्क है। क्लास डी मेरी तरफ से बेस्ट है, वो ये नहीं कि वो मेरा प्रोडक्ट है इसलिए बेस्ट है, बट एज जब आप भी अगर इसको प्ले और क्लास डी को दोनों को एक साथ प्ले करोगे तब आपको फ़र्क पता चल जाएगा। अभी मैंने इसको भी बजाया है और क्लास डी को भी मैंने दोनों की आवाज़ सुनी हुई है। इसको आप मैंने आज बजाया, क्लास डी को मैं काफ़ी टाइम बजा चुका हूँ, कई बार सुन चुका हूँ उसकी आवाज़। इसकी आवाज़ में वो दम नहीं है जो क्लास डी की आवाज़ में, पंच जो होता है इसका आवाज़ में ठीक है, आवाज़ बहुत तेज़ है इसकी, बेस भी आता है, बट जो क्लियरिटी जब फुल वॉल्यूम पे करने पे आवाज़ की क्लियरिटी का जो होता है ना अच्छी क्लियर आना चाहिए, बेस पंच भी स्ट्रॉन्ग साउंड के साथ आना चाहिए, वो नहीं है। तो अभी मैं इसकी साउंड प्ले करके दिखा देता हूँ आपको। अभी मैंने आपको इसकी साउंड टेस्टिंग सुनाया है और सेकंड थिंग, ये बोर्ड ज़्यादा बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। अभी मैंने इसको चलाया, अभी थोड़ा ही दो मिनट में बजाया, ये हीट सिंक विदाउट फैन बहुत ज़्यादा गर्म होगी। क्लास जी तो कुछ गर्म ही नहीं होती इतने टाइम तक, बट ये बहुत ज़्यादा हीट हो चुकी है। आप इसका हाथ पे लगा के देखते हो तो फील होता है कि हाँ भाई ये गर्म हो चुकी है, मतलब इतना तो गर्म नहीं हुआ कि आप इससे हाथ नहीं टच कर सकते, हाँ मतलब इतना है कि आप ज़्यादा देर इससे हाथ टच नहीं कर सकते। बाकी ओवरऑल प्रोडक्ट साउंड है, बट इसकी इस टाइप के बोर्ड्स में जब आप कम वॉल्यूम में साउंड चलाते तो आवाज़ बिल्कुल कम वॉल्यूम पे, जैसे कि मान लो आपने 10% खोला तो 10% में आवाज़ क्लियर नहीं आती ज़्यादा, मतलब 10 में क्लियर नहीं आएगी, 20% जाएगी तो थोड़ी क्लियर आवाज़ हो जाएगी, ट्रबल भी अच्छा आएगा, बेस भी अच्छा आएगा, बट 10% से नीचे रहेगी 5, 10, 8 उसमें ना आपका बेस कटी कटी आवाज़ आएगी, क्लियर नहीं आएगी। इस बोर्ड में जो भी डिज़ाइन किया जिस बंदे ने भी ये, तो इसमें वो कमी है। जब आप इसको 5, 10 वॉल्यूम पे चलाते हो तो आवाज़ बिल्कुल भी क्लियर नहीं आती। जो बंदे ने इसको बोर्ड लिया है उसने भी अगर ये प्ले करके दिखाया तो मुझे व्हाट्सएप में ज़रूर बताए कि हाँ सर मैंने ये बजाया है, कि साउंड में प्रॉब्लम्स है नहीं, या उसको साउंड कैसे लगी और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है वो हमें बता सकते हो। और बाकी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो, ताकि हमें भी ये लगे कि हाँ भाई बंदे कि चैनल में हमारी जो वीडियो आप लोग देखते हो और जो आप हमें कमेंट में करके बोलते हो कि सर हमें वीडियो चाहिए, तो हम बनाते भी है। जिस किसी बंदे को भी अगर कोई वीडियो चाहिए जो हमारे पास बोर्ड है या ना भी है, तो हम कहीं से कहीं परचेज़ करके उसकी वीडियो हम आपको पहुँचा देंगे। बाकी इस बोर्ड को भी चाहिए तो ये बोर्ड भी मिल जाएगा काफ़ी सस्ते रेट में, सिर्फ 4000 रुपये में बोर्ड मिल जाएगा सब्सक्राइबर के लिए, और जो न्यू सब्सक्राइबर है उसके लिए 4200 रुपये में है, विद डिलीवरी चार्जेस है, ये आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेगा। क्योंकि कई लोगों को क्या होता है ना, क्लास ए भी अच्छा लगता है, क्लास डी अच्छा नहीं लगता है, उनको लगता है कि क्लास डी जल्दी ख़राब हो जाता है, बट ऐसा नहीं, हमारा जो क्लास डी है वो ख़राब नहीं होगा, उसमें हमने पूरा जितना भी हमने मॉडिफाई कर चुके थे वो कर चुका है, वो ख़राब नहीं होता, बट फिर भी लोगों को ट्रस्ट नहीं रहता। तो ये क्लास ए भी है तो क्लास ए भी ले सकते हो आप। क्लास ए भी काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा आपको एज ए क्लास डी के कंपेरिजन में, साउंड सेम ही रहता है, क्लास डी बेटर साउंड देगा, मिड जो है उसका अच्छा है, ट्रबल मतलब ओवरऑल देखें तो क्लास डी की परफॉर्मेंस इससे काफ़ी अच्छी है। तो बाकी आपकी चॉइस है, आप जौन सा भी बोर्ड लोगे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, हमारा काम था आपको सलाह देना। क्योंकि देखो आप सिर्फ एक बोर्ड की साउंड सुनोगे तो आप दूसरे बोर्ड की नहीं बता सकते ये अच्छी है नहीं, वो आपको वही अच्छा लगेगा अगर आप एक बोर्ड की साउंड सुनोगे, दो बोर्ड की साउंड सुनोगे तो कंपेरिजन, कि कहते हैं ना कंपेरिजन हमेशा दो चीज़ों में होता है, एक चीज़ों में कभी नहीं होता। तो जब आपने डिफरेंट डिफरेंट लोगों की जो बोर्ड की, जब हम तो हर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बोर्ड की आवाज़ सुनी सुनते हैं तो हमें पता कि कौन सा बोर्ड अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है,
बट सारे कुछ कस्टमर होते हैं जो सिर्फ एक ही बोर्ड लेते हैं और उनको वो ही आवाज़ अच्छी लगती है, क्योंकि अच्छी आवाज़ का कंपैरिजन तब कर सकते हो जब वो दूसरे बोर्ड से कंपैरिजन करे। अगर जैसे ये किसी ने बोर्ड खींचा फिर मेरे से किसी ने क्लास डी का बोर्ड खरीदा तो कंपेरिजन आप कर सकते हो कि क्लास डी अच्छा है क्लास ए भी अच्छा है। बाकी आपकी भी चॉइस है, आप चुन सा लोगे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी हमारे सब्सक्राइबर उनके लिए अलग रेट है, हमारे लिए हर बोर्ड का।